हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, ये हमारी जिंदगी तेजी तेजी और तेजी से भरी, हम में जोश है हम मद होश है, कुछ भी कर जाने का हम में रोश है, छा गए हम घूम रहे हम, हमसे जीतना है अगर वो ना है सदम, पुराने खिलाड़ी जो झौचान से हार जाता है उसका हारना तय ही था, लेकिन जुनफेंग एंड तक बिल्कुल नहीं डरा, उसने बड़े ही चालाकी से जो झौचान की बैटल स्किल कॉपी की और अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिंग टैलेंट दिखाया, इससे यान हुई बहुत ही हैरान हुआ और जो झौचान भी चकित होकर रह गया। जुनफेंग कॉम्पिटिशन हार गया था, लेकिन कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के कारण उसे बुलेट रेसर में बहुत ही इंटरेस्ट आ जाता है। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उनको छूना नहीं है, वो टेम्परामेंटल कार्स है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हाँ? ये कहाँ से आई? तो ये एक गम की तरह चिपक रही है। बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, इसका नाम है स्टॉर्म आर्चर। स्टॉर्म आर्चर? हाँ, हवा का बना हुआ एरो, इसलिए इसका नाम है स्टॉर्म आर्चर। अंकल माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रेसर जीवित है? तुम सही कह रहे हो, एक बुलेट रेसर की भी अपनी एक लाइफ होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन मुझे किसी ने रियलाइज करा। वो कौन है? हाँ? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे इसके पीछे की स्टोरी बताइए ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं जानना चाहता हूँ इस बारे में। ओके, पहले तुम रूम साफ करो, फिर बताता हूँ। आई एम सॉरी आपको परेशान करने के लिए। अगर तुम सिंसियर हो तो तुम अकेले ही इसे साफ करोगे। आप मजाक तो नहीं कर रहे हो? आप चाहते हो कि मैं सारी बुलेट रेसर्स को अकेले ही साफ कर दूं? अंदर आ जाओ। डॉक्टर, हमारी रिसर्च ऑलमोस्ट सक्सेसफुल है। ओह रियली? और सपोर्टिंग डाटा का क्या हुआ? मैंने 80% वेरीफाई कर दिया है। पर केयरलेस मत होना। आप चिंता मत करो, मैं ये प्रूव कर दूंगा कि बुलेट ट्रेसर में एक फीलिंग होती है। बुलेट ट्रेसर और ह्यूमन में इमोशनल एक्सचेंज हो सकते हैं। यहाँ कितनी सारी बुलेट ट्रेसर्स हैं, इन्हें साफ करना कितना मुश्किल भरा है। क्या तुम्हें याद है तुम्हें कैसा लगा था? क्या आप कह रहे हैं कि ये जिंदा है? हाँ, वो जिंदा ही है।
क्योंकि वो हाई टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट प्रोडक्शन है। उनकी इनिशियल डिजाइनिंग स्टेज में इलेमेंट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल कंसिडर किया गया था, एक बुलेट रेसर और एक ह्यूमन इंटरेक्शन इलेमेंट ऐड किया गया था। बुलेट रेसर और ह्यूमन इंटरेक्शन, आसान भाषा में तुम एक दूसरे को फील कर सकते हो। आपका मतलब है स्टार मार्शल ने मुझे रिस्पॉन्ड किया था? हाँ, तभी इतनी सारी बुलेट रेसर में से एक वही तुम्हारे ऊपर गिरी और तुमने उसे अपने हाथ से पकड़ा क्योंकि उसने तुम्हें फील किया। हाँ, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक को ही पकड़ा था। बचाओ! मेरे ख्याल से गोल्डन लाइट फ्लैश हो रही थी। क्या वो सच में स्टार मार्शल है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। जैसे एक तलवार अपने ट्रू ओनर के पास जाती है, वैसे ही बुलेट रेसर का है। कूल! ये सब एक सुपर बुलेट रेसर है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? मेरी फेवरेट बुलेट रेसर फर्स्ट रेसर की शैडो है। किंग ऑफ ओवरटेकिंग। उसकी बॉडी एक गोल्डन स्पीडिंग एरो की तरह है। वो बहुत ही आसानी से एयर ड्रैग को ओवरकम कर सकती है। उसका एरो के जैसा फ्रंट व्यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटी देता है बाकी रेसर्स को ओवरटेक करने के लिए और फ्रंट रेसर को लोअर सेक्शन में क्रश करने के काबिल बनाता है ताकि कम्प्लीटली ओवरटेक कर सके। जब वो रेस ट्रैक पर स्पीड कर रही होती है तो एक लाइट आसपास रिवॉल्व करती है। ये रेसर फोकस करती है। एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजिव फोर्स है। जब ये बैटल में होती है तो ये हवा की तरह तेज होती है। इसका शार्प फ्रंट अटैक वेपन ल्यूमिनस मूनबो अपने अपोनेंट पर एक एक्सट्रीम डेडली स्टॉर्म जैसा अटैक करने के लिए काबिल है। ये अपनी फुर्ती से अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपोनेंट को हराने में सक्षम है, चाहे अपोनेंट जितना क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो। अमेजिंग! कर लेती है। यूंग फैन, इधर आओ। यहाँ तो बड़ा अजीब है सब कुछ, सचमुच बड़ा अजीब। मुझे पता नहीं था घर में इतनी सारी मिस्ट्रीज होगी। क्या तुम अभी भी बुलेट ट्रैकर को चलाना सीखना चाहते हो? हाँ हाँ हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैं बिगिनिंग से शुरू करता हूँ। मैं पहले बुलेट रेसर का स्ट्रक्चर समझना चाहूंगा। देखो, इसके स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइडेड है, इनर स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डिजाइन। इनर स्ट्रक्चर में मोटर और गियर होते हैं और जैसा कि नाम से पता चलता है एक्सटर्नल डिजाइन मतलब रेसर की लुक। ये आसान चीज नहीं है, इसके पीछे बहुत नॉलेज है। बोरिंग है। मुझे जाने दो, बहुत दर्द हो रहा है। आउच! क्या तुम फिर से सोने वाले हो? क्या हम किसी और तरीके से ये कर सकते हैं? तुम ही बता दो। एक कंपटीशन? मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ये खेलना चाहते हो तो एक ट्राई करते हैं। ओके। अंकल देखिए मुझे, बॉल क्लिंगिंग कॉर्नरिंग। नॉट बैड, तुम्हारी एबिलिटीज मैच करती है। हमारी क्वालिटीज मैच करती हैं? क्या मतलब है आपका? ये हर बुलेट रेसर के अंदर की गिफ्ट है। ये बुलेट रेसर को उसकी ओरिएंटल देती है, जैसा कि आग का बेस्ट अटैक फोर्स से होता है, अर्थ डिफेंस के लिए होता है, थंडर स्प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है और वाइंड ओवरटेकिंग के लिए। वाइंड? ये तो मेरे नाम की तरह है। तुम सही कह रहे हो। अंकल मां, इसकी क्वालिटीज का क्या फायदा है? अगर ओनर की क्वालिटीज बुलेट रेसर की क्वालिटीज से मैच करती हैं, तो वो बुलेट रेसर की 100% पावर अनलीश कर सकती है। कई बार वो उसकी स्टैंडर्ड कैपेबिलिटीज को भी सरपास कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका ओनर इसकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग डिजाइन टेक्निक बना सकता है। इसे यूजुअली अल्टीमेट टेक्निक कहते हैं। जब तुम्हारा अपोनेंट
अपनी अल्टीमेट टेक्निक से तुम्हें अटैक करता है तो एक ही आउटकम होता है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। उस मैन ऑफ द मास्क की अल्टीमेट टैक्टिक में कुछ है। सही कहा, मुझे भी अपनी एक अल्टीमेट टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एक अल्टीमेट टेक्निक सीखी नहीं जा सकती, हर बुलेट रेसर एकदम अलग होता है, हर ओनर एक एक अलग अलग तरीके सेम नहीं होती। अगर मैं अपनी टेक्निक खुद बना लूं? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओ ठीक है, क्या यानुई के पास भी अल्टीमेट टेक्निक है? हाँ, पर तुम वो देख नहीं पाओगे। लेकिन क्यों? बदतमीज लड़के, अगर तुम उसका फ्लेमिंग स्पीयर उसे वापस नहीं दोगे तो वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक कैसे यूज कर पाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है कि यानुई आपका बेटा है। ओह यस मिस्टर किन, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? ओह हाँ, मैंने सुना है कि यून फेंग बहुत ही बेकार था। वो एक बच्चा है। आजकल जो लोग बड़ी बातें करते हैं उनमें भी कुछ तो टैलेंट होता ही है, लेकिन वो बेवकूफ लड़का तो सिर्फ एक मजाक है। नहीं, वो बेवकूफ लड़का बिल्कुल नहीं। क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक दिन मेरे साथ में खड़ा होगा। हेलो बॉस, वो आ गया है। ओके उसने कहा कि यून फेंग टैलेंटेड है, वो एक दिन उसका ओपोनेंट हो सकता है, लेकिन अच्छा चलिए मैं अरेंजमेंट्स कर लेता हूँ। जैसा आप कहें बॉस। हम लोग तुम्हें आगे देखना चाहेंगे यून फेंग। अंकल माँ, आपने मुझे इन लोगों से सुलह करना नहीं सिखाया है। अपना कान मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। ओके। माफी। आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं वापस आ गया। तुम चीटर हो, भागो यहाँ से। अगर कोई जरूरी बात नहीं है वापस चले जाओ। नहीं, मैं तुम सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। हमने कुछ भी लूज नहीं किया है, हमें तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं। हाँ, हमें तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं गलत था, मुझे तुम सबसे मस्ती के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मुझे डेमन गॉड रेसिंग टीम को हराने का झूठा दावा नहीं करना चाहिए था। मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए मुझे ऐसा झूठ मूठ का नाटक नहीं करना था। तुम ये सब यहाँ आकर क्यों बता रहे हो? तुम्हारी बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बुलेट रेसर चलाना सिखा दो ना। उन दिनों जब मैं तुम लोगों के साथ था तो मुझे बहुत मजा आ रहा था। जब मैंने बुलेट रेसर को स्पीड करते हुए देखा था, मुझे लगा था कि मैं ही स्पीड कर रहा हूँ। सिखाओ ना यानुई प्लीज, सिखाओ ना मुझे यानुई प्लीज, यानुई प्लीज मुझे सिखाओ ना। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम बुलेट रेसर चलाना कैसे सीख सकते हो जब तुम्हारे पास अपनी बुलेट रेसर है ही नहीं? किसने कहा कि मेरे पास बुलेट रेसर नहीं है? ये तो स्टॉर्म आर्चर है। अंकल माँ ने दी मुझे, कैसा है ये? बढ़िया है ना? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे अंकल ने दी मुझे। वो तुम्हें स्टॉर्म आर्चर क्यों देंगे? बेवकूफ बनाना बंद करो। क्या मतलब है तुम्हारा? ज्ञान हुई, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उसे चुराया है? पता नहीं है वो कितनी प्रेशियस है, और तुम्हें पता नहीं कि वो मेरे अंकल के लिए क्या है। तो क्या हुआ? इसने मुझे चूज किया है, मुझे कुछ नहीं आता था, फिर भी इसने मुझे चूज किया। तुम्हारे जैसा ओनर होना इस बुलेट रेसर की इंसल्ट है। इंसल्ट? या नहीं, अब बोलना पूरा हो गया तुम्हारा? अगर हिम्मत है तो कंपटीशन करके देखो, फिर बताता हूँ मैं। मैं इसका बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है अगर वो दोनों टीममेट्स बन गए तो बहुत ही डरावना होगा। हाँ।
जनाब अली। इस बार तो अभी अपना बाकी है। बहुत बोल दिया आपने। This time overtaking. बारबेक्यू फिश में क्या बड़ी बात है? Flaming racer, split flying. तुम कितने बुरे हो? तुम flying tactic use कर रहे हो? मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। क्या शॉट मार्शल किंग ऑफ ओवरटेकिंग नहीं है? हाँ, चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं। स्टॉर मार्शल जाओ। वाव, ये स्प्रिंट ओवरटेकिंग है। तुम इसे स्प्रिंट ओवरटेकिंग कहते हो? इतने घमंडी मत बनो। चलो अब विनर डिसाइड करते हैं। स्टॉर मार्शल जाओ। ध्यान से। फ्लेमिंग रेसर। थैंक यू यानोई। ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया। मैं नहीं चाहता था कि अंकल को बुरा लगे। अगर उनकी बुलेट रेसर तुम्हें देने के पहले ही दिन डैमेज हो जाती तो वो बहुत परेशान होते। यानोई, क्या तुम इतना झगड़ालू बनना बंद कर सकते हो? तुम्हें पता है उन्होंने तुम्हें क्यों दी? क्योंकि एक अच्छी बुलेट रेसर को एक टैलेंटेड ओनर की जरूरत होती है। यानोई, मुझे माफ कर दो। अंकल माँ सही कह रहे थे। मैं तभी अपने फ्रेंड्स को वापस पाऊंगा अगर मैंने अच्छे तरीके से उनसे माफी मांगी। ये सब बकवास बंद करो। अभी एक और राउंड बाकी है। अब और कोई कंपटीशन नहीं होगा। चलो घर चलते हैं। ये सब क्या है? चलो पेन्यू, तुम भी साथ में आ जाओ। मेरा नाम यूनफेंग है। यूनफेंग हो या पेन्यू, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, मेरे डैड ने सबको डिनर पर इनवाइट किया है। हमने तुम सबकी फेवरेट डिश बनाई है। क्या है वो? क्या है? कम ऑन। यस मैम, यस मैम। क्या फर्क पड़ता है तुम वापस आओ या ना आओ? तुमने क्या बनाया है मेरे लिए बताओ ना। अगर तुम मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें एक बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। तुम सच में बहुत एनोइंग हो। मुझे क्या पता, शायद मेकअप करने गया हो। ये फॉर्मल डिनर है, ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? अंकल, आपने उसे स्टॉर्म आर्चर क्यों दिया? स्टॉर्म आर्चर ने उसे चूज किया। स्टॉर्म आर्चर खराब हो गया क्या? स्टॉर्म आर्चर ने कभी भी गलत इंसान को नहीं चुना है। बस एक बार, जब उसने तुम्हें चुना था। यू रास्कल, रुको। हेलो बेटा। हाय। आ जाओ आ जाओ। हाय, कैसे हो तुम? ओल्ड यून, तुम सेरेमनी खराब मत करो। तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी है, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलते। अमेजिंग भुक्कड़ कहीं के। खबरदार, अगर तुमने दोबारा ऐसा बोला तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट नहीं दूंगा। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? तुम गिफ्ट लाए हो? ये एक सीक्रेट है। ठीक है। तुम्हें सच में ये नहीं चाहिए? फ्रेंडशिप खरीदी नहीं जाती। अच्छा चलो एक गेस करो, मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगे। कम ऑन यानोई। ठीक है चलो, अब झगड़ना बंद करो। डिनर से पहले सब लोग अपने हैंड्स वॉश कर लो। डिनर टाइम?
ये। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही मजा आ गया। बच्चों के लिए तो सॉफ्ट ड्रिंक है, ले लो। युनफेंग युनहुई के पीछे पड़ जाता है कि वो उसे बुलेट रेसर चलाना सिखाएगा। यानहुई उसे बिना सीरियस हुए सिखा देता है। इसके कारण स्टॉर्म आर्चर का एक कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। वो दोनों कंपोनेंट खरीदने जाते हैं और देखते हैं कि सिटी के सारे स्पेयर पार्ट बिक चुके हैं। सब लोग इस अजीब सी घटना से चकित है। इसके पीछे किसका हाथ है? ये टीनेजर टाइनजिन कौन है? हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल। जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी। खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कही, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है। हम तो बस खेल ये खेल है, इसका दूजा ना कोई मेल। जिसमें दम ना वो होता है फेल। खतरों से भरी है हमारी जिंदगी। खेलो तो जानो ये खेल है मुश्किल, मान कर चलो दम ना ही हमसा कही। मुश्किलें आती है पर ना रुकते कही, आसान बना तेरा है कुछ कर दिखाना है।